ससुराल है। एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं, माताओं बहनाओं, हम आप बड़े सौभाग्यी हैं जो हमारा आपका अवतार इस उत्तर प्रदेश में हुआ है, भगवान की ससुराल के क्षेत्र में हुआ है। बड़े सौभाग्यी हैं जो हमारा आपका अवतार हुआ है। ये ऋषियों की भूमि है परिचिति, एक नहीं इसी उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े महान पुरुष आए हैं। बड़े बड़े महान पुरुष आए हैं, ऐसे ऐसे महान पुरुष आए हैं जिन महान पुरुषों की देन है जो हम आप आज आजाद बैठे हुए हैं। परिचित जी, ये हमारे महान पुरुषों की देन है जिन महान पुरुषों की वजह से हमें आपको आजादी मिली है। प्यारे भक्तों, आइए पहले हमारा देश के ऊपर अंग्रेजों मुसलमानों का शासन था, लेकिन हमें आपको ऐसे महान पुरुषों को प्रणाम करना चाहिए जिन महान पुरुषों की वजह से हम आप आजाद बैठे हुए हैं। परीक्षित जी, हमारे आपके पीछे हमारे महान पुरुष हंसते हंसते फांसी का फंदा गर्दन में डाल करके सदा के लिए सो गए। ऐसे महान पुरुषों को मैं सत सत नमन वंदन और अभिनंदन कर रहा हूं जिन महान पुरुषों की वजह से हमें आपको आजादी मिली है। हम स्वतंत्र हुए हैं, पहले हम आप मनचाहा काम नहीं कर सकते थे जब हमारे देश के ऊपर मुसलमानों का शासन था, लेकिन आज हम आप आजाद हैं, मनचाहा काम परिचित जी कर लेते हैं। किनकी वजह से? महान पुरुषों की वजह से। धन्य है महान पुरुषों को जो हंसते हंसते फांसी का फंदा गर्दन में डाल करके सदा के लिए सो गए, अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने देश के लिए हमारे आपके पीछे अपनी जान की बाजी लगा दी। छोड़ा परिचित जी, महान पुरुष ही नहीं बल्कि हमारी ये देवियां घूंघट की आड़ में जो चलने वाली हैं, ये भी किसी से कम नहीं रही, ये भी किसी से परिचित जी कम नहीं रही, क्योंकि एक विद्वान कह रहा है, भारत शान पे मरो है, इज्जत न गई है अपने देश की, शान पे मरो है, इज्जत न गई है अपने देश की। धन है महान पुरुषों, हमारे देश की आन शान कब नहीं होने दी, हमारे देश की महिलाओं ने, हमारे देश की देवियों ने श्री कृष्ण यादव जी नगला जगत से 101 रुपया भेज रहे हैं, भगवान सुख और शांति दे। परीक्षित जी, लक्ष्मी बाई को देखो अमर कर गई झांसी, लक्ष्मी बाई अमर कर गई झांसी। रुक जा रुक जाओ, लक्ष्मी बाई ने बहनाओ हमारे आपके पीछे अंग्रेजों से तलवार चलाई थी अपना बच्चा पीठ से बांध करके, क्यों? हमारे देश को आजाद करने के लिए। लेकिन माफी चाहेंगे, थोड़ा अंतर हो गया पहले की लक्ष्मी में आज की लक्ष्मी में। पहले की लक्ष्मी तलवार चलाती थी, आज की लक्ष्मी ज्यादा मोह चलाती, बस और कोई अंतर नहीं है। लक्ष्मी बाई को देखो अमर कर गई झांसी, और दे
सपे मरो इज्जत नहीं गई है अपने देश की भारत शान पे मरो परीक्षक जी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। परीक्षक जी भगत सिंह जब बहुत छोटे थे अपने माता पिता से कहा करते थे पिताजी ओए खेत में खेती ना करो फसल ना बो और सुनो अरे खेती करने भगत सिंह जब माता पिता से बोला क्या बोले मक्का बाजरा कोई मत भाइयो मक्का बाजरा कोई मत भाइयो बो बम्बके बोला मक्का बाजरा कोई मत भाइयो बो बम्बके बोला मक्का बाजरा कोई मत भाइयो। भगत सिंह कहा करते थे खेत में बम्बके गोला बाओ क्योंकि हमें अंग्रेजों से लड़ाई करनी है। भैया लेकिन मेरे प्यारे भक्तों एक बात याद रखना भगत सिंह हंसते हंसते फांसी लगा करके मर गए लेकिन भगत सिंह परीक्षित जी अपने जीवन में एक बार रोए थे। एक बार कब रोए? जब भगत सिंह के गुरु स्वामी दयानंद को अंग्रेजों ने जहर दे करके भगत सिंह के सामने तड़पा तड़पा के मार दिया था तब भगत सिंह बहुत रोए थे। परीक्षित जी लला हरा भरा पीरों से हरदम प्यारा हिंदुस्तान रहा और सब देशों से देश हमारा भारत ही बलवान रहा हमारा भारत ही बलवान रहा। और भारत देश महान रहा हरा भरा पीरों से हरदम भारत ही बलवान रहा। हरा भरा पीरों से हरदम भारत ही बलवान रहा बहुत किए अन्याय जो जब भारत माने सहे नहीं और देश की खातिर काऊ नेता ने जहर के प्याला पिए नहीं। धन है परीक्षित जी देश की खातिर किसी नेता ने जहर के प्याला नहीं पिए। अरे कोई है जो अपने घर के पीछे मर सकता है? कोई है जो अपने देश के पीछे मर सकता है? कोई भाई है जो भाई के पीछे मर सकता है? लेकिन ऐसे महान पुरुषों ने हमारे आपके पीछे अपने जान की परवाह नहीं की। मैं ऐसे महान पुरुषों को शत शत नमन वंदन और अभिनंदन कर रहा हूं जिन महान पुरुषों की वजह से हमें आपको आजादी मिली, हमारा देश स्वतंत्र हुआ। परीक्षित जी हमारा देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, सोने की चिड़िया था मेरा देश, लेकिन आज सोने का पंख भी नहीं रहा। क्यों? हमारे देश की आर्थिक स्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही है। हमारा देश एक अमीरों का देश नहीं रहा, एक भिखारियों का देश हो गया। अंग्रेज अगर हमारे देश में घूमने के लिए आते हैं तो हमारे देश का नौजवान लड़का उनके सामने भीख मांगने के लिए हाथ फैला के खड़ा कर देता है। अंग्रेज कहते हैं वो भारत एक अमीरों का देश नहीं रहा, एक गरीबों का देश हो गया। मैं सभी भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूं।